हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो एसक्यूएल को लेकर के है, तो चलिए आइए देखते हैं कि अगर हम इंट डेटा टाइप लिखते थे तो वहां पर हम डेसिमल वैल्यूज एंटर कर नहीं पाते थे और प्रॉब्लम होती थी। तो कौन सा ऐसा कोड लिखेंगे कि हम डेसिमल वैल्यूज भी एंटर कर पाए आसानी के साथ एसक्यूएल में, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन कर लीजिए और यहां से क्रिएट पे चलते हैं। ठीक है, क्रिएट पे जाने के बाद चूंकि हमें बनाना है क्वेरी, तो चलते हैं क्वेरी डिजाइन पर और इसको यहां से कर दीजिए क्लोज। जैसे ही क्लोज करेंगे आपको यहां पे एसक्यूएल व्यू दिखाई पड़ जाएगा, यहां पर क्लिक कर दीजिए और जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर ऐसे आएगा। इसको हटा देते हैं, हम खुद से सारी चीजें डिजाइन करेंगे। तो यहां पर आता हूं, लिखता हूं क्रिएट टेबल, टेबल बना रहा हूं इसलिए दैट्स व्हाई क्रिएट टेबल लिख रहा हूं। ठीक है, और टेबल का नाम दे देते हैं, लाइक यहां पे दे देते हैं एम्प्लॉई टी, यानी एम्प्लॉई टेबल। ओके, एंटर प्रेस करते हैं, नीचे आते हैं, यहां पे एंटर प्रेस करते हैं। अब यहां पे देखिए क्रिएट में टी छूट ई छूट गया है यहां से, तो क्रिएट। ठीक है, इस तरीके से तो अब हो गया। अब यहां पर करना क्या है हमें, यहां पर सबसे पहला काम तो ये करना है कि यहां पे नेम देना है। तो यहां पे लिखता हूं नेम, और नेम कौन सा डेटा टाइप होगा टेल मी, यहां पे लिखूंगा मैं वेर कैर। ठीक है, वेरिएबल कैरेक्टर, और इसकी साइज कितनी रखेंगे, कितने इसमें लेटर्स आएंगे, मैं कहूंगा कि 7 लेटर से ज्यादा नेम नहीं होना चाहिए, तो केवल 7 लेटर ही ये सपोर्ट करेगा, ये पिछले वीडियो में बता चुका हूं। यहां पे कॉमा देंगे, एंटर प्रेस करेंगे, नीचे आएंगे। अब यहां पर करना क्या है, एज देनी है, तो यहां पे लिखूंगा एज। और प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं यहां पे इंट दे देता हूं तो इंट ये सपोर्ट तो कर लेगा लेकिन या तो प्लस या तो माइनस में वैल्यूज एंटर करने देगा। ठीक है, पॉइंट में वैल्यूज आप एंटर नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए मैं यहां पे दे देता हूं फ्लोट, लिखता हूं एफ एल ओ ए टी फ्लोट, ये लिख दिया हमने, एंटर प्रेस किया, नीचे आए और यहां से इस ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। ये कोड ध्यान से देख लीजिए और यहां से अब रन पे क्लिक कर दीजिए। ये कोड हमारा रन हो गया और ये टेबल क्रिएट होकर आ चुकी है, यहां पे देख सकते हैं। ये देखिए, ये नेम और एज लिखा हुआ आ चुका है, जैसा कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में देख पाते हैं। अब यहां पे क्या करना है, लाइक यहां पे नेम दे दीजिए रितेश और इनकी एज है मान लीजिए 22। तो ठीक है, 22 तो पहले भी इंटर कर पाते थे, लेकिन खास बात क्या है इसकी, यहां पे दूसरा नाम लिखा हमने और यहां पे एंटर करता हूं 33.6। ठीक है, अब देखिए ये 33.6 भी एक्सेप्ट कर जा रहा है, अगर हम इंट लिखते तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं अभी, ठीक है, और यहां पे कर देता हूं 21.2। ठीक है, तो ये देख सकते हैं ये एक्सेप्ट कर जा रहा है आसानी के साथ। तो आई होप कि ये बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए फिर लिख के दिखाता हूं, यहां पे लिखा मैंने एक और नाम और यहां पे दे देता हूं लाइक 55.3। तो ये एज है और इस तरीके से आप डेसिमल वैल्यूज भी एंटर कर पाएंगे आसानी के साथ। कोड क्या है हमारा, वो यहां पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये छोटा सा कोड लिखने से इस तरह की चीजें हो जाएंगी और एसक्यूएल में आगे भी वीडियोस बनाता रहूंगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।